जय हिंद वंदे मातरम। आज एग्जाम था, आज बड़ी ही खुशी का दिन था सभी युवाओं के लिए, क्योंकि पेपर बहुत सरल आया था। लेकिन ध्यान रखना, जब पेपर सरल आता है तो उसकी मेरिट ऊपर खींचती है। थोड़ा सा संशय बोल रहा हूँ मैं आप लोगों की खुशी में, ध्यान रखना, क्योंकि 30-32 क्वेश्चन हर कोई कर देता है जब ऐसे एग्जाम आते हैं, तो आपको हर एक प्रश्न बड़ी ही होशियारी से लगाना होता है। चलो आज जो एग्जाम आए थे उसके मैं प्रश्न इस बोर्ड पर लिखे हैं, कुछ प्रश्नों को मैंने डायरी में लिखे हैं क्योंकि सारे प्रश्न इस पर बन नहीं रहे थे। पहला प्रश्न था, गीता के तीसरे अध्याय का क्या नाम है? तो कर्मयोग। कर्मयोग सही आंसर था इसका। सक्रादि स्तुति किस अध्याय में है? दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में है। अभी मैंने कुछ वीडियो पढ़े थे, कुछ वीडियो आप लोगों को मैंने भेजे थे ऑनलाइन यूट्यूब पर, आप लोग कल ये देख कर गए होंगे, जिसकी स्मृति जैसी हो। फिर इसके बाद संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार, तो ये सही आंसर है इसका। नामकरण संस्कार से पहले जातकर्म संस्कार होता है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 विवाह प्रशंसनीय होते हैं और 4 विवाह निंदनीय होते हैं। पंच लोकपाल में से कौन सा एक है? अब जो भी प्रश्न आया होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है उसमें कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे जो एक अलग से दे दिया हो गया होगा, या फिर एक पंच लोकपाल दे दिया गया होगा। तो गणेश, वायु, दुर्गा जी, आकाश और अश्विनी देवता, ये पंच लोकपाल के अंतर्गत आते हैं। रघुवंश किसकी करती है? कालिदास जी की। व्याकरण को वेदांग में कहा गया है मुखम। हा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भैया ध्यान रखना, इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। ज्योति कुंडली में पंचम भाव से क्या देखते हैं? देखो, जब पंचम भाव आता है तो उसमें हम संतान उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, उसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। तो ये पुत्र के भाव होते हैं उसमें हम उसको पहचानते हैं, संतान या पुत्र उसमें ऑप्शन होगा। मीन राशि का स्वामी तो बृहस्पति। सबरीमाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? देखो, सबरीमाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो अय्यप्पन। ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर भारत में विष्णु भगवान को और शिव जी को हम लोग पूछते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर अय्यप्पन को पूछते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो उनके बेटे का नाम अय्यप्पन था। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? देखो, नक्षत्रों की संख्या वैसे तो 27 है, लेकिन एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र एस्ट्रा जुड़ जाता है, लेकिन ये क्रांति चक्र से बाहर होने के कारण इसको हम शुभ नक्षत्रों में यानी 27 नक्षत्र उसमें ऐड नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो टोटल अगर कुल देखें तो 28 नक्षत्र हैं। अब जैसे उन्होंने प्रश्न किया होगा वैसे आप लोगों ने जवाब दिया होगा। केरल का मुख्य त्यौहार ओणम, श्रवण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। चंद्रग्रहण किस तिथि को आता है? तो इसका आंसर है पूर्णिमा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। तमसो मा ज्योति गर्मा कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखना, सारे प्रश्न आपकी पुस्तक से हैं। इसके बाद जो हमने नोट्स दिए हैं, जो हमने ऑनलाइन पढ़े हैं, सारे प्रश्न इसमें दिख रहे हैं महाराज। निर्णय सिंधु के रचयिता कौन है? तो कमलाकर भट्ट। मधुबन चित्रकला कहाँ से है? तो ये बिहार से है। पुराण के रचयिता भैया वेद व्यास जी। बुद्ध का रंग कैसा है? हरा। कर्मयोग कौन सा अध्याय है? वही अध्याय है महाराज जो हम पढ़ के आए हैं, तीसरा। 12 अध्याय गीता में नाम उसका भक्ति योग। अतिथि को क्या कहते हैं? तो देखो, अतिथि जो पंच महायज्ञ हैं, तो उससे ये प्रश्न था आपका। पंच महायज्ञों से प्रश्न था। तो अतिथि को निरज्ञ भी कहते हैं, अतिथि देवो भवा, तो अतिथि को हम देवता भी कहते हैं। पुरुषार्थ में कौन सा नहीं है? अब जो भी इसका आंसर मुझे पता नहीं, मेरे पास इसका 4 ऑप्शन नहीं आए, लेकिन पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ही होते हैं महाराज, तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न था जो भी होगा। इसके बाद महाकालेश्वर कहाँ है? भैया सबको पता है, उज्जैन में है। न्याय बाद के पीड़िता कौन है? अक्षपाद गौतम। इसके पंचक नक्षत्र, अब जो भी प्रश्न पूछा हो लेकिन उसका आंसर है रेवती, घनिष्ठ, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये उसके आंसर हैं। तो पंच नक्षत्र ये हैं महाराज। मेघदूत की रचयिता कौन है? कालिदास जी। जनक के जन्म के पश्चात सर्वप्रथम संस्कार होता है जातक्रम संस्कार। पंच महायज्ञ में कौन सा नहीं है? अब जो भी महाराज इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिले। मनीषा का संधि विच्छेद, इसके भी ऑप्शन नहीं मिले। हा का उच्चारण मैंने बताई दिया, कंठ से है। गृह प्रवेश में कौन से देव? तो गृह प्रवेश में सबसे पहले हम गणेश जी को स्मरण करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी करते हैं। इसके बाद सांख्य कारका का रचयिता कौन है? तो ईश्वर कृष्ण, सही आंसर है ईश्वर कृष्ण। मत्स्य अवतार में कौन किसका वध हुआ था? तो हयग्रीव का वध हुआ था।
इसके बाद ओणम कहाँ का त्यौहार है, ये केरल का है, वाराणसी में सिद्ध पीठ माता कौन है, तो विशालाक्षी माला, विशालाक्षी माता है वहाँ पर। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का नाम तो वही हो गया हमारा संक्रांति। वैराग सदा किसकी रचना है, तो ये है भर्तृहरि की। इसके बाद अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। महाराज ये सारे प्रश्न आए थे, बहुत नॉर्मल प्रश्न थे। इसके बाद कुछ प्रश्न मैं इस पे लिख लिए हैं। कौमुदी के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय है। पंचभूत संस्कार में सर्वप्रथम क्या कार होता है, तो इसमें परसुमन, उबलेपन, उल्लेखन, उद्धरण और अभ्युरण, ये इनका क्रम है। घर में अतिथि किसके समान होता है, तो देवता के समान होता है। इसके बाद नीति शतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अन्नप्रसन्न संस्कार कितने महीने बाद होता है, तो छठे मास में होता है महाराज। षोडश मातृका कौन कौन है, तो गौरी, सची, मेधा, ऐसे करके ये महाराज आपके हैं। इसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है महाराज। तो ये थे आप लोगों के प्रश्न और उनके उत्तर मैंने बता दिए हैं। बहुत नॉर्मल पेपर था, लेकिन मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी, घबराना मत। आप लोगों को जिसके सही आंसर 45 से 60% के बीच में जिनकी परसेंटेज आएगी, उसको लगभग फिजिकल के लिए मुझे लगता है बुलाएंगे, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल पेपर था। अब आप लोग फिजिकल की तैयारी करो पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ये मान लो कि कम से कम 5 से 6 गुना बंदे भी बुलाएंगे फिजिकल के लिए इसमें, क्योंकि उनको पता है कि बंदे डॉक्यूमेंट में निकलेंगे, फिजिकल में निकलेंगे, मेडिकल में भी निकलेंगे, इसलिए लास्ट में थोड़े बहुत बंदे बचेंगे। तो इसलिए चिंता मत करो महाराज, सभी अपना आउटपुट 100% दो, बुंदेलखंड से जुड़े रहिए। आज बहुत सारे युवाओं के फोन आए मेरे पास, गुरुजी मज़ा आ गया, आपने पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। जैसे बंदे बाहर निकले गेट से, सबसे पहले मेरे पास दरादन फोन गिरे बहुत सारे, सर आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है मैं उसमें नहीं करना चाहूँगा। देखो महाराज आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप आर्मी ऑफिसर बनोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।